अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का एक दफा फिर से हमारे चैनल मिस्टर कुरैशी में। तो आज इस वीडियो में हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं हमारा प्यारा गेम जिसका नाम है लॉकी क्राफ्ट। जल्दी से बढ़ते हैं गेम की तरफ को। क्या नाम था उसका? हाँ, हमारा अपना इस गार्ड यानी कि हमारा वाटर बेस। तो यार उसके ऊपर मैंने सब कुछ तो कर लिया था, मतलब उसके इंटीरियर भी डेकोरेट क्या बोलता हूँ यार, मैंने उसका इंटीरियर वगैरह भी बना लिया था और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर बना दी थी। तो अब मैंने मैंने स्ट्रक्चर बनाया था पहली वीडियो में। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ वीडियो में। सीरियस सच्ची सच्ची बात बताऊँ, मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ आइंदा के बाद से ना स्क्रिप्टिंग करके वीडियो बनाऊँ, लेकिन उसमें बहुत टाइम जाएगा। तो यार मैं ये बोल रहा था कि मैंने उसमें पार्ट वन में तो उसके अंदर अपना घर बनाया था और अपना एक एरिया बनाया था। आज की इस वीडियो में मैं उसकी सारी डेकोरेशन को कंप्लीट करने वाला हूँ और उसके सारे पार्ट्स को पूरा करने वाला हूँ। तो जल्दी से करते हैं गेम ऑन। तो अभी थोड़ा सा टाइम लैप्स देखो ना तुम लोग। यार अभी जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो, मैं पहुंच चुका हूँ हमारे वाटर बेस के पास। तो अगर तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लो, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने अपना घर बनाया था और फार्म वगैरह बनाया था अपने घर के लिए। तो तुम लोग बोलोगे यार क्या है, यहाँ कोई वाटर बेस तो नहीं है। तो अभी तुम लोग सिर्फ देखो, तुम लोग अभी नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो भी सब्सक्राइब करो, नहीं किया है तो कर लो। और अभी देखो मेरा वाटर बेस। ओए हो, तो तुम्हें एक और बात भी बतानी थी मैंने कि मैं पिछली वीडियो बोल रहा हूँ कि मैं ऑफ कैमरा अपने ना घोड़े को इधर लेके आया था। तो देखो मैंने उसके लिए घर वर सब कुछ बनाया था कि उसको खड़ा करने के लिए एरिया वगैरह, लेकिन ना एक मसला हो गया था। मैं उसे सर्वाइवल में यहाँ तक लेके आया, उसको रखा, फिर वापस से जाने का इशू था। तो मैंने उसको क्रिएटिव में ऐसे रस्सी से बांध के ऊपर उड़ा के लेके जाने लगा। मैं घर पहुँचा और मैंने पीछे देखा तो मेरा घोड़ा नहीं था। तो इसका मतलब है RIP, मेरे घोड़े का इंतकाल हो गया। तो उसकी याद में हम इधर एक कबर बना देते हैं, सही है, ताकि सबको पता चल सके हमारा घोड़ा अब इस दुनिया में नहीं है। क्या फालतू काम कर रहा हूँ यार मैं। चलो भाई उसकी कुछ सामान वामान भी डाल देंगे, एक दो, सही है, इतना बहुत है, इतनी बड़ी कवर बहुत है घोड़े की। घोड़ा आ जाएगा इतनी कवर में? आ जाएगा भाई। तो घोड़ा क्या, घोड़े के पास क्या क्या था? हमारे घोड़े के पास एक सैडल थी, सही है, सैडल कहाँ है भाई, ये सैडल थी, उसने डायमंड का आर्मर पहना हुआ था, ये उसकी सैडल आ गई, ये उसका डायमंड आर्मर आ गया, सही है। फिर अब इसको हम बंद कर देंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो भाई अभी थोड़ी एसी थोड़ी ना यार, थोड़ी डेकोरेशन वेकोरेशन भी करेंगे ना यार, एसी थोड़ी ना, बेचारे को हम भूल जाएंगे। कांगे ये रहा, VIP कवर बनी है सीधो, अभी यहाँ का खुल गया। चलो भाई कवर बन चुकी है, कवर पे एक फूल लग सकता है, फूल भी है मेरे पास यार, फूल नहीं लग रहा है, फूल हम यहाँ रख देते हैं इसके लिए, यहाँ पे भी नहीं लग रहा है भाई, यहाँ पे मैं, ओए कवर खुल गए, कवर खुल गए, बुरी बात बुरी बात, किसी कवर के अंदर नहीं देखते। कहाँ गया ग्रास ब्लॉक ये रहा, क्या मैं उल्टी हरकतें कर रहा हूँ यार, ये भाई फूल फूल हट गया, फूल में एक अच्छा सा लगा दूँ इसके लिए, बड़ा सा कोई फूल, ये इधर है फूल सारे, ये वाला लगाते हैं, लिलैक प्लांट हमने इसके लिए लगा दिया है एक। चलो भाई रिप घोड़े की, घोड़ा हमारा इंतकाल कर गया। तो अभी चलते हैं, ये देखो कैसा प्यारा बना दिया मैंने, मैंने इस वजह से बनाया ताकि मैं सर्वाइवल में ना ऊपर जाते जाते सांस रुक जाती है, तो मैं सांस लेने के लिए इधर आके खड़ा हो सकूं, इधर से सांस फिल करूं अपनी और फिर निकल जाऊं, ऐसे सही है। लेकिन हम क्रिएटिव में तो आराम से चले जाते हैं जल्दी जल्दी। कहाँ गया मैं, ऊपर जाना है और इतना ऊपर बना लिया एक तो मैंने, ये आ गए हैं हम हमारे वाटर बेस के अंदर। तो अभी अबे क्या हो गया, ये पकड़ के लग गई। हाँ तो अभी हम आ चुके हैं हमारे वाटर बेस के अंदर, मैंने सब जगहों को नाम दे दिए हैं, जैसे कि इधर हमारा बनेगा स्विमिंग पूल एरिया, फिर इधर बनेगा हमारा गार्डन, फिर इधर बनेगा हमारा सेफ्टी बेस, दो सेफ्टी बेस होने वाले हैं, और ये होगी हमारी बालकनी, सही है, फिर ये होगा हमारा क्या होगा, ये बॉस हाउस, ये रहा मेरा घर, देख सकते हो तुम लोग कैसा सपाटर घर है मेरा, सही है। यहाँ मेरी छोटी सी खेती भी है, सब कुछ है यहाँ मेरे पास, ठीक है, देख सकते हो यहाँ मेरे पास गाय वगैरह भी हैं। और अभी चलते हैं हम घर में सोने के लिए फटाफट से। तो अभी सुबह वगैरह हो चुकी है और मैं उठ के बाहर आ चुका हूँ हमारी लॉबी के अंदर, और लॉबी के अंदर अभी मैं क्या करने वाला हूँ, तो सबसे पहले हम क्या डिज़ाइन करें, किस चीज़ को बनाएं, तो शुरुआत करते हैं बालकनी से। बालकनी के हम सबसे पहले सीधे हाथ से शुरू करते हैं, सही है, सीधे हाथ की तरफ आते ही हमें यहाँ बॉस हाउस, फिर उसके बाद यहाँ पर हमें बनाना है ऑफिस। तो चलो ऑफिस एरिया बनाते हैं सबसे पहले, सही है। तो सबसे पहले ये अननेसेसरी लाइट्स को तोड़ना पड़ेगा कुछ इस टाइप से, ताकि एक जगह मिले और हम कुछ बना सकें। अरे यार हाँ, तो कुछ इस टाइप से अभी एक मीटिंग रूम टाइप बनाना है हमने इधर, तो कुछ
इसको तो अंधेरा हो जाएगा। नहीं, अंधेरे में तुम लोगों को सही नज़र नहीं आएगा, मुझे तो बहुत सही आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइटिंग कर देते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बनाता हूँ सोफ़ा एरिया। तो कुछ सोफ़े भी आज तुम बनाना सीख लो। तो सबसे पहले तुम निकालो, क्या निकालो, तुम पहले इसमें जाओ ये, फिर तुम उसके बाद रेड कलर के रेड वूल निकाल लो, ठीक है। फिर इसको कुछ इस टाइप से पैक कर दो, सही है। फिर जितने तुम्हें सोफ़े बनाने हैं कुछ, जैसे कि अब यहाँ पे ये एक एक ऊपर भी रख लो, ये अच्छी फील दे रहा है। नहीं, बहुत घटिया फील दे रहा है भाई, जैसा है वैसी रहने दो सोफ़े को, कोई ज़्यादा अपने पास से कारस्तानी मत करो। ये कुछ इस टाइप से एक और सोफ़ा आ गया, सही है। इधर एक सोफ़ा एरिया हो गया, मतलब एक मीटिंग रूम टाइप है, इधर सब आके चिल विल कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से सोफ़े वगैरह हो गए। तो अब तुम्हें अगर अपने लिए बैठने वाला सोफ़ा बनाना है तो मैं एक बैठने वाला भी सिखा देता हूँ तुम लोगों को। सबसे पहले नीचे का एक ब्लॉक तोड़ो, नीचे हमारा ज़मीन नहीं है, इस वजह से नीचे जाके एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा कुछ इस टाइप से। फिर लो पटरियाँ रेल की, क्या लेना है, रेल की पटरियाँ, हाँ यानी रेल की पटरियाँ। फिर एक रेल भी ले लो, रेल 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 कहाँ गई, रेल रेल। तो कुछ इस टाइप से पटरियों का एक पाथ बनाओ, सही है। फिर उसके बाद नीचे आओ, फिर इधर एक रेल रखो और इसको नीचे जाने दो, कुछ इस टाइप से। मैं तो बोलूँ सीधी रखते हैं, सीधी भी सही लगेगी वैसे, है ना। कुछ इस टाइप से एक सीधी रेल को ऐसे रख के अंदर की तरफ पुश कर दो। वो बाहर नहीं आ भाई, अंदर जा, हाँ कुछ इस टाइप से। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुमने यहाँ पे रखना है एक स्लैब, सही है। अब तुमने जैसी स्लैब रख लिया, अब तुम्हें यहाँ पे रखना है एक पिस्टन, पिस्टिन, मेरी इंग्लिश समझो, मतलब पिस्टिन, पिस्टिन, पिस्टिन आ जाओ, पिस्टिन। ये पिस्टिन को रखना है इस तरफ मुंह करके, यार ये इधर क्यों नहीं फेस कर रहा, मैं तो बोल रहा हूँ पहले इसको रखता हूँ पिस्टिन को। अबे वो पिस्टिन, अबे इतने करीब भी नहीं, हाँ यहाँ यहाँ पिस्टिन को रखो यहाँ पे। फिर उसके आगे तुम ये ब्लॉक रखो, फिर पिस्टिन के पीछे तुम लगाओ रेड स्टोन का डब्बा या रेड स्टोन, वो तुम्हारी मर्जी। रेड स्टोन ब्लॉक है, ये रेड स्टोन ब्लॉक, फिर लगाओ इधर, ये हुआ आगे। फिर इसको तोड़ो, फिर इसको तोड़ो, ये बन गया तुम्हारा बैठने वाला सोफ़ा। तुम यहाँ पे आओ, इस पर राइट दबाओ और तुम बैठ चुके हो। मैं भी तुम्हें थर्ड पर्सन व्यू करके नहीं दिखाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे आ चुका है एक कुछ इस टाइप से, ये इनके लिए, ये लोग बैठेंगे नहीं ना, ये लोग मतलब सिर्फ चिल करेंगे। फिर कुछ इस टाइप से यहाँ पे टेबल टाइप में तो बोल रहा हूँ यही लेने देते हैं, ये भी अच्छी लग रही थी अपन आके यहाँ पे बैठे। या तो मैं बोल रहा हूँ हमें अपना काम भी निकालना है ना, हम तो लाइट लगा देते हैं, समझ रहे हो बात को, हाँ क्या भाई। मैं तो बोल रहा हूँ एक काम करते हैं, नीचे का तोड़ते हैं, नीचे ये रेड स्टोन वाला डब्बा लगाते हैं, सही है। फिर उसके ऊपर लैंप लगा देते हैं, लैंप और भी VIP लुक देगा। लैंप कहाँ गई, अबे लैंप, हाँ यही पहली दफ़ा तेरे को मैं ज़िंदगी में लगा रहा हूँ। नहीं, साइंस बेस के, ओ बेहतरीन। अभी इसके ऊपर थोड़े कारपेट मारपेट, कारपेट कारपेट लेके सफ़ेद कारपेट लगाएंगे भाई। ये हो गया एक बैठने बैठा के लिए, सही है, समझ रहे हो बात को, कुछ इस टाइप से। फुल प्यारी लुक देने वाले हैं हम, ऐसा नहीं है। तो ये एक बैठा के लिए इस साइड पे हो गया। फिर हमें एक क्या बनाना है, एक सेंटर में एक फौरा बनाते हैं, मतलब है ना, एक फौरा बनाते हैं पानी का, फाउंटेन टाइप, ठीक है। वो पानी नीचे निकल जाएगा, नीचे वाला खड्डा खोलियो। फिर तुम ले लो क्या बोलते हैं, फिर तुम वाइट जितनी भी चीज़ें ना, सारी वाइट चीज़ें उठा लो, ठीक है। फिर ये वाइट डब्बा ही क्यों ना हो गले से। फिर उसके बाद तुम ले लो एक बटन, सही है। फिर उसके बाद तुम ले लो एक ड्रॉपर, डिस्पेंसर, सॉरी ड्रॉपर में डिस्पेंसर लेना। फिर इसको तुम यहाँ से एक पहाड़ खड़ा करो, 1 2 3 4, 4 ब्लॉक्स का, सही है। 4 ब्लॉक्स के ऊपर तुम यहाँ पे ऐसे कुछ इस टाइप से एक वो बना लो, सीढ़ियों का रास्ता। अभी यार क्या कर रहा हूँ यार मैं, सही से कुछ बन ही नहीं रहा आज, पता नहीं क्या किसकी शक्ल देखी थी सुबह ये। अबे लोग एक रात वालों, मेहरबानी करना थोड़ी हम पे, मेरी आवाज़ आ रही थी तुम्हें इतनी देर से, नहीं आ रही थी ना शायद, क्योंकि मेरा माइक बंद हो गया था, मैंने अभी नोट करा। अबे यार पता नहीं आवाज़ गई नहीं गई, अभी ये चेक कर कैसे करूँगा। अब मैं स्लैब लगा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये मिक्स क्यों नहीं हो रहे। हाँ ये कुछ इस टाइप से, फिर उसके ऊपर तुमने एक और पत्थर लगाना है, पत्थर को तोड़ो, यहाँ पे एक पत्थर लगाओ, फिर नीचे जाओ, नीचे जाके इसके अंदर डिस्पेंसर लगाओ, डिस्पेंसर में पानी की बाल्टी लगाओ। जाहिर सी बात है फौरा बना रहे हो तो पानी की बाल्टी की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, 2 बाल्टियाँ डाल दो, नहीं वो एक डालो, फिर काम नहीं करेगा सही से। फिर ऊपर लगा दो बटन, सही है, ये पानी आना शुरू हो गया और ये पानी बाहर आ गया, मुबारक हो, हमारा एक्सपेरिमेंट पहली ही बारी में फेल हो गया। ये देखो बटन तुम दोबारा दबाओगे, पानी वापस अंदर हो जाएगा, हाँ। तो कुछ इस टाइप से अब क्या करो, अब ऐसे नीचे एक गड्ढा कर दो, सही है। अभी यार ये टूट गया ज़रा, मैं अभी लगा देता हूँ दोबारा से, अभी निकाल लो वो कांगा कांगा, कारपेट 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 कारपेट, ये कारपेट ये दोबारा से लगाने पड़ रहे हैं गाइस, सॉरी मेरी ज़रा लापरवाही की वजह से। ये हाँ हम थोड़े रखने भी देते हैं ना, मतलब कि ऐसा लगे ना भाई हाँ भाई काम हुआ है, घर में कारपेट पड़े हुए हैं रखे हुए हैं, किसी को चाहिए लेके जा सकता है।
तो अभी कारपेट लग चुके हैं, अभी अपना फारा खोल के देखते हैं। अबे ये बाहर क्यों आ रहा है, ये सेंटर में नहीं है क्या? यार सेंटर में तो है ये, तो ये बाहर क्यों आ रहा है, क्या वजह हो सकती है, बाहर आने की क्या वजह है? अबे ऊपर जाना, कहाँ जा रहा हूँ मैं, चढ़ना। हाँ आ गया, ये क्यों नहीं जा रहा, अभी मैं देखता हूँ ना, सब्र करो तुम लोग, ज़रा रुको, ज़रा सब्र करो। अभी मैंने एक रास्ता बना दिया कि इसके अलावा ये कहीं पे भी नहीं जा सकता। वो हाँ आप देखो ना, अब वो रात पे आया ना। अच्छा ये सीन हो रहा है, सही सही, समझ गया मैं, समझ गया मैं, समझ गया हूँ मैं, समझ गया हूँ। टेंशन नहीं लिया करो, मैं समझ जाता हूँ हर चीज़ का मसला, हर चीज़ का समाधान हमारे पास है। वो हो इतनी गाड़ी हिंदी। हाँ तो कुछ इस टाइप से ये आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे। देख रहे हो टैलेंट, देख रहे हो टैलेंट, कितनी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मैंने। डेकोरेशन की डेकोरेशन और अपना काम का काम, ये बात कुछ इस टाइप से। फिर नीचे एक ऐसा वो बना लेंगे ताकि ऐसा लगे हाँ भाई किसी चीज़ के अंदर जा रहा है पानी। फिर इनको कर देंगे ऊपर ऐसे कनेक्टेड कि ऐसा भी ना लगे कि हवा में ही उड़ रहा है पानी, कुछ इस टाइप से। ओह बेहतरीन बेहतरीन काम हो गया जी, मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ से भी बंद ही कर देते हैं। नहीं ना, फिर ऐसा लग रहा है कोई जेल है, पता भी नहीं चल रहा। फुहारा है भाई, फुहारा है ये, फुहारा दिख रहा है किसी को, फुहारा कोई नीचे ही ना निकल जाए, पता चले फुहारे फुहारे के चक्कर में, देखने के चक्कर में नीचे ही चार्ट हो जाए। नहीं वह नहीं, ऊपर चलो। हाँ सही है, तो कुछ इस टाइप से हमारा एक फुहारा भी बन चुका है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने एक और मतलब एक डाइनिंग टेबल टाइप बनाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा, सबसे पहले तुम्हें पता है क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा जो कि हमारे पास हैगा, हमें एक और कारपेट चाहिए होगा, वो होगा रेड कलर का। तुम लोग बोले कि इसको रेड कारपेट कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए हैं। ये आ गया 1 2, नहीं, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, बस बहुत है। इसके ऊपर तुम रख दो रेड कारपेट कुछ इस टाइप से। अबे वो कहाँ रह गया। फिर उसके बाद तुम यहाँ पे लगा दो कुर्सियाँ कुछ इस टाइप से, सीढ़ियाँ लगा दो जो कि कुर्सी की शेप में लगें, सही है। फिर यहाँ पे ये दो, फिर उसके बाद ऐसे कुछ कुछ ये करीब है, तो ये होगा यहाँ पे, फिर ये होगा यहाँ पे, कुछ इस टाइप से। यहाँ पे तुम्हारा एक ऑफिस एरिया तैयार हो चुका है। फिर ऑफिस में क्या होती हैं, अबे किताबें होती हैं, किताबें नहीं लगाई ऑफिस में, ऐसे तो हमारे काम है। फिर अभी किताबें कहाँ से लाऊँ मैं, ये रही किताब, किताब 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 हिसाब किताब, किताब कहाँ गई यार, इतनी सारी थी किताबें कहाँ गई, वे तो बहुत ये रही है, वही मैं बोलूँ यार किताबें कहाँ गई। हाँ उसके बाद फिर एक ये भी है, सही है। आप कुछ इस टाइप से 1 2 3, नहीं, फुल फुल लगाएंगे ना यार, फुल दिखना चाहिए कि एक लाइब्रेरी टाइप एरिया बना हुआ है भाई ऑफिस में, ऑफिस अच्छा है हमारा। कुछ इस टाइप से कैसा लग रहा है, ओए हो बेहतरीन। अभी इसके ऊपर यहाँ पे एक एक ये भी लगा दो, ये किताबें, सही है। अब इसके आगे लगा दो एक एक चेयर कुछ इस टाइप से। अभी देखो, ओए हो VVIP हो गया ये तो। अब इसके अंदर पूरे के अंदर व्हाइट कारपेट लगा के मैं तुम्हें मिलता हूँ, 2 मिनट का टाइम दो। तो यार फाइनली अभी जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो, हमारा एक एरिया टाइप बन चुका है। ये बड़ा प्यारा लग रहा है यार, यहाँ पे लाइब्रेरी है, उसके बाद एक सोफ़ा एरिया है, फिर उसके बाद एक डाइनिंग एरिया है, फिर उसके बाद एक मीटिंग रूम टाइप लग रहा है वैसे, है ना, देखा जाए तो। इसका थंबनेल में पता है कैसे लूँगा, हल्का सा ऊपर, नहीं, फिर वो नहीं दिख रहा। मैं तो बोल रहा हूँ सेंटर में जाके फुल यहाँ से लूँगा, सही है, थोड़ा सा नीचे बस, यहाँ से इसका थंबनेल लूंगा, बड़ा प्यारा लगेगा यार। तो अभी चलते हैं फटाफट से दूसरी जानब, दूसरी जानब भी हमें डेकोरेशन करनी है। और अब ये आ गया हमारा सीधा हाथ जो कि जा रहा है इस तरफ, फिर यहाँ पे हमारा सेफ्टी बेस जो कि हम अगली वीडियो में बनाएंगे। फिर ये है हमारा फार्म, हमारा फार्म, मुर्गियों का फार्म। तो सबसे पहले फार्म में क्या ज़रूरी होता है, लाइटों को तोड़ना। फिर फार्म में क्या ज़रूरी होता है, पानी। अभी इन सबको सोर्सेज को पूरा करते हैं कुछ इस टाइप से। और वैसे मुझे तुम्हें एक बात भी बतानी थी कि अगर तुम्हें मूवीज़ इंडस्ट्री में, मूवीज़ इंडस्ट्रीज़ में क्या बोल रहा हूँ यार मैं, ये बात मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊँगा, सही है। तुम लोग वेट करो इस बात के लिए, अब तुम लोग दिलचस्पी लो कि क्या बात हो सकती है। मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊँगा ये कि अगर तुम्हें मूवी इतना बोल देना कि अगर तुम्हें मूवीज़ में इंटरेस्ट है तो तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ प्लान हो रहा है, मतलब गेम में नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कोई और कर रहा है, सही है। तो मैं तुम्हें बताऊँगा फिर बाद में, बहुत जल्दी बताऊँगा। देखना यहाँ पे कुछ लाइटिंग वाइटिंग का सीन कर लिया है अब हमने कुछ इस टाइप से। तो जैसा कि अभी तुम लोग देख ही सकते हो यहाँ पे लाइटिंग हो चुकी है हमारी पूरी कुछ। अबे यार
वहाँ रह गया ये। कुछ इस टाइप से हमारी लाइटिंग पूरी हो चुकी है। अभी मैं तो बोल रहा हूँ थोड़ी और ऊपर तक कर दें, लेकिन अभी छोड़ते हैं, अभी बाद में करेंगे ये काम। फिर कभी, अब शुरू कर ही दिया है तो ख़त्म भी करना ही पड़ेगा। यार मैं क्यों कर रहा हूँ इतनी मेहनत, किसके लिए? तुम लोग देखते तो हो नहीं, इतनी ख्वारी करके मेरा कुछ फ़ायदा वायदा तो होने नहीं वाला। ठीक है, समझ रहे हो बात को? मेरी जो ख्वाहिश है ना, वो ऐसी अधूरी की अधूरी है। अभी तक देख लो, अभी तक मुझसे कोई भी फ़ैन नहीं मिला, तो देख लो अब तुम लोग सोच लो मैं इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ फिर। अबे यार, लेकिन तुम लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा? खैर छोड़ो, मैं आगे नहीं बोलूँगा। पता चले तुम लोग इसी बात की मीम्स बना रहे हो। सही है, समझ रहे हो बात को? मारे क्या? तो अभी हमारा ये बन चुका है फार्म एरिया। सही है, फिर उसके बाद हम ले लेते हैं सेंटर ब्लॉक को तोड़, ले लेते हैं तोड़, क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर इसको ले जाते हैं ऊपर तक कुछ इस टाइप से। सही है, बेहतरीन काम हो गया जी। सही है, अब ये कुछ ऐसा हो गया। फिर अब हमें पानी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अगर मैं इसको तोड़ूं, फिर इसको तोड़ूं, अबे कितने मैंने लगा दिए शीशे, फिर इसको तोड़ूं, क्या हुआ? नीचे पानी की सोर्स आ गई। सही है, अभी तुम सीन देखो, अभी तुम सिर्फ सीन देखो, ये पानी बाहर क्यों गिर रहा है? वैसे मेरे को ये बात समझ नहीं आई, ये पानी नालियों के अंदर से नीचे निकलना चाहिए मेरी नज़र में, ये बाहर नहीं गिरना चाहिए। अभी मैं दोबारा से ऊपर जाके बंद करके खोलता हूँ अपना प्रेशर का नलका। बंद हो गया? हाँ बंद हो गया। तो अब ये पानी इन नालियों में ही जाना चाहिए, इनके अलावा कहीं पे भी नहीं जाना। ओए ख़त्म, सूखा नहीं? हाँ वो सूख गया, सूख गया। रात हो रही है, दिन हो रहा है, इधर ये पता नहीं चलता, इधर ये मसला है। फिर इसको दोबारा से तोड़ेंगे, 3 2 1, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। ओ बेहतरीन काम हो गया भाई, बेहतरीन काम हो गया। अभी तुम सिर्फ सीन चेक करो। वही, ये कहाँ टूट गया है, ये कहाँ टूट रहो हो, इसको बंद कर रहो हो, बंद 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 बंद। बंद कहाँ से होता है? ग्रास ब्लॉक से, ग्रास ब्लॉक। जब टाइम होता है ना, तब कुछ मिलता ही नहीं है मेरे को। तो ये इसको ले जाने, मैं अभी नहीं करूँगा। अगर अब कोई गलत ब्लॉक टूटा तो, ये सेंटर है ना, हाँ ये सेंटर फुल फुल देख लो, शपाटर, फुल शपाटर किस्म का काम हो गया हमारा। फिर गलत ब्लॉक टूटे जा रहा है। हाँ कुछ इस टाइप से पूरे पूरे मैंने खड्डे कर लिए हैं। सही है, तो यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ के हम खड्डा करेंगे, ताकि आने जाने का भी रास्ता हो। नहीं, सही है, जाने दो। अभी उसका भी मेरे पास सल्यूशन है। ये कुछ इस टाइप से, जान दो जान दो जान दो जान दो जान दो जान दो। सही है, फिर इसको नीचे से कुछ इस टाइप से बंद करेंगे। सही है, ऊपर जा। अबे अबे अबे, रात हो रही है, रात सो जाओ जाके। लेकिन नहीं, लेकिन यार अब यहाँ पे पता नहीं चलता ना, यही तो सारी पॉइंट ऑफ ह्यूमर की बात है, कि यहाँ पे पता ही नहीं है तुम्हें तुम्हें दिन हो रहा है कि रात हो रही है, यही तो गेम है सारा इस गेम का। अबे 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 अबे, चलो ये भी बेहतर है। खैर एक ब्लॉक ऐसे ऊपर लग जाए, फिर बाकी ब्लॉक्स नीचे लग जाएँ, ये भी सही है। 2 मिनट का टाइम तो मैं तुम्हें बना के ही मिलता हूँ ना, मैं तुम्हें इतना क्यों पका रहा हूँ? तो यार फाइनली अभी जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो, कैसा प्यारा लग रहा है यार ये, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं तो फुली बाहर आ गया, मैं तो बोल रहा हूँ बाहर से। नहीं, एक रास्ता रखते ना खुफिया अंदर आने का। देखो इसके ज़रिए हम, अबे अंदर जाना, इसके ज़रिए भी हम अंदर आ सकते हैं। ये बात देखो, यहाँ पे मैं मैंने पम्पकिन, ओए हो कितने बड़े हो गए ये, यहाँ पे मैंने पम्पकिन लगाए, तो जब तक ये पम्पकिन उग रहे हैं, तब तक हम दूसरी जगह पे चलते हैं, और फिर यहाँ से बाहर निकले तो फिर सीधे हाथ पे अब हमारे पास आता है, ये क्या है, स्विमिंग पूल। यहाँ पे हम स्विमिंग पूल एरिया बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैं तो बोल रहा हूँ पूरे कोई स्विमिंग पूल बना देते हैं, समझ रहे हो बात को? एक ब्लू कलर का वो निकालता हूँ, ये बहुत बनाना आसान है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, सब्र करो। यहाँ से खड्डा करते जाओ, पूरा तोड़ दो, समझ रहे हो बात को? हम ऐसा स्विमिंग पूल बनाएंगे, जितना नीचे जाते जाएंगे उतना गहरा होता जाएगा। सही है, समझे? हाँ, तो अभी 2 मिनट का टाइम है, मैं तुम्हें पूरा बना के ही मिलता हूँ। ठीक है, अभी जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो, ये कैसा प्यारा लग रहा है, और ये बन चुका है हमारा स्विमिंग पूल। तो एक डाइव तो बनती है, 3 2 1। डाइव वाइव नहीं लग सकती है स्विमिंग पूल में, ये मेरा खैर आइडिया बड़ा घटिया था इधर ऐसा स्विमिंग पूल बनाने का, जो कि बहुत ही बुरा बना है। बस मेरे को भी पसंद नहीं आ रहा है स्विमिंग पूल, सब कुछ अच्छा लगा मुझे बस इस स्विमिंग पूल के अलावा। ये हो गया स्विमिंग पूल, अब सीधे हाथ पे फिर हमारे पास आ जाता है ये गार्डन एरिया। फिर गार्डन के बाद क्या बचा? सेफ्टी बेस, फिर बालकनी। तो मतलब बस हमारा अब गार्डन एरिया रहता है, फिर हमारा काम ख़त्म। ये आ गया हमारा गार्डन एरिया। गार्डन एरिया में आ जाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले गार्डन एरिया में क्या होता है, झूले वगैरह तो मैं बनाने नहीं वाला हूँ, मैं बेंच बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बेंच के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, वो तो तुम्हें अच्छी तरीके से ही पता है यार। तो कुछ लकड़ी की बेंच बनाने वाला हूँ, फिर इसी की लकड़ी के ये प्लाई, प्लाई प्लाई बोलते हैं इसको, हाँ प्लाई,
ये प्लाई भी आ गई, ये आ गई 1 2 3, फिर ये आ गई 1 2 3। कुछ अच्छी लग रही है बेंच, बहुत ही घटिया लग रही है मुझे तो, पता नहीं क्यों। छोड़ो है एसी, नीचे रख देते हैं कुर्सियाँ तो बैठने बैठने के लिए। हाँ कुछ इस टाइप से गार्डन में नीचे कुर्सियाँ होती हैं, सही है, बैठने बैठने के लिए। बच्चों के बच्चे जब थक जाते हैं फिर यहाँ आके बैठेंगे ना यार, एसी थोड़ी ना फिर। तो कुछ इस टाइप से एक कम्युनिटी टाइप बिल्ड कर लेते हैं। फिर पीछे हम लगा देते हैं, हमें तो लाइट की ज़रूरत ही है, रोशनी हमें करनी है तो हम पीछे ये वाली रोशनी कर देंगे। वहाँ से रह गई तो कुछ इस टाइप से, ये हो गई इधर की रोशनी, लाइटनिंग हो गई इधर की, सही है। फिर उसके बाद में तो बोलो यहाँ पे भी लगा ही देते हैं कुछ इस टाइप से, सही है। यहाँ पे एक लाइट सिस्टम हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप आके बैठ के चिल विल कर सकते हो अपना सबके साथ। मैं तो बोल रहा हूँ एक काम करते हैं, इसको कुछ इस टाइप से यहाँ तक लेके आओ, इसको कुछ इस टाइप से। ऐसा होता है ना यार गार्डन्स वगैरह में कि मतलब एक वो बना हुआ होता है कि मतलब एक शेल्टर टाइप के, आप यहाँ बैठ के अपना जो भी आपको काम करना है वो आप कर सकते हो, तो ये मैंने वो बना दिया, सही है। ये भी सही लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा। खैर अच्छी चीज़ें ही बनाता हूँ मैं हमेशा, ऐसी थोड़ी ना है फिर ये बात। कुछ इस टाइप से, फिर ये कुछ इस टाइप से ऊपर की तरफ से पैक हो जाएगा कुछ इस टाइप से। अब ये कुछ ऐसा लग रहा है कि बंदा अंदर आके, अंदर तो जाना, हाँ ये बंदा कुछ अंदर आके बैठ बैठ सकता है यहाँ से, अब हम इसको फुल कवर कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा, यहाँ पे बंदा आके आराम से चिल विल करे, बैठे अपना जो भी काम वाम करना है वो करे, निपटाए काम को, और फिर इधर से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। कुछ ये बन चुका है, फिर इसके बीच में एक टेबल होना तो ज़रूरी है। फिर टेबल के तौर पर हम ऐसे कुछ एक छोटी सी टेबल क्रिएट कर देते हैं। फिर नीचे नहीं नहीं घास जितनी रहेगी, जितनी घास होगी उतना, अबे यार जितनी ज़्यादा घास होगी उतना ज़्यादा अच्छा है भाई। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइट्स हैं इनको तोड़ते हैं। गार्डन में क्या होते हैं फूल, हाँ किनारों किनारों में मैं फूल लगाता हूँ सबसे पहले। तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है, फूल मैं कौन से लगाऊँ यार, कौन से अच्छे लग रहे हैं मुझे, तो वही वाले अच्छे लग रहे हैं जो हम घोड़े के जनाजे पे लगा के आए थे, यही वाले, यही लगा देते हैं कुछ इस टाइप से। हर कॉर्नर पे एक एक फूल हो जाएगा तो इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा। वही पानी अंदर कैसे आ रहा है, मैं बोलूँ अच्छा बाहर बारिश हो रही है, वही मैं बोलूँ पानी अंदर कैसे आ रहा है, ये क्या सीन हो गया भाया, ये पानी कहाँ से निकल के आया, ये क्या सीन हो गया भाया, ये पानी कहाँ से निकल के आया, वाह मेरी अंग्रेज़ी। तो ये हो गया कुछ इस टाइप से, सही है। ये चारों तरफ से अब इसको कर देंगे हम पैक्ड, इधर तो खैर ज़रूरत भी नहीं है, इधर बहुत ज़्यादा ये रोशनी कर दी है हमने यार। गार्डन में क्या होता है, एक पेड़, हाँ पेड़ भी तो बनाना है ना यार, पेड़ भी तो होता है ना गार्डन में, तो पेड़ सेंटर में तो अच्छा अब नहीं लगेगा क्योंकि मैंने इतना बड़ा जो मूथड़े पे बना दिया है वो, कहाँ जा रहा हूँ यार मैं सेटिंग में। हाँ तो अब मैं बोल रहा हूँ एक पेड़ इधर कॉर्नर पर बना देते हैं, जो कि एक नॉर्मल सा पेड़, यार पेड़ क्या होता है, नॉर्मल सा पेड़, नॉर्मल सा पेड़, कोई बड़ा ना हो, बस छोटा सा चुन्नू सा पेड़ हो कोई। आ, 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 मेरी नज़र में तो ये घास भी निकाल लो, ये वाली घास भी निकाल लो। मेरी नज़र में भाई बेहतरीन पेड़ पता है कौन सा है, जो छोटा सा उगता है बिल्कुल, वो वाला मेरे ख्याल से ये है, ये है। अब इसको लगा देते हैं इधर, अब ये उग जाएगा तब हम देख लेंगे, थोड़ा एक आगे लगा देते हैं, चलो सही है। फिर ये कुछ गार्डन में घास वास तो होगी ना यार, घास पूरे इलाके में लगानी है मेरे को तो, सही है, पूरे इलाके में घास ही घास, घास ही घास। गार्डन में घास नहीं होगी तो क्या होगा, ये फुल घास भर दो इधर, अटरम शटरम पटरम सब भर दो। तो कुछ इस टाइप से घास लग चुकी है पूरे गार्डन में, सही है, ये फैलती भी रहेगी। फिर उसके बाद ये मैंने कुछ और उठाया था, कहाँ गया ये रहा, अच्छा ये बड़ी घास है थोड़ी, चलो इसको भी थोड़ा बहुत फैला देते हैं, ऐसा लगना चाहिए कि गार्डन एरिया है। चलो भाई ये हमारा गार्डन एरिया हो गया कंप्लीट। अब इसका थंबनेल मैं कैसे लूँगा, इसका थंबनेल मैं तो बोल रहा हूँ इसका भी थंबनेल सिर्फ इस चीज़ का लूँगा कुछ इस टाइप से, ये एक एक अच्छा लग रहा है, हाँ सही है सही है। तो यार वीडियो में, वीडियो ख़त्म हो चुकी है, हाँ तो आज की वीडियो में इतना ही, और हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं यहीं पर आउटरो कर रहा हूँ आजकल, क्या बात है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।